तुमको मैं बताता हूँ, ये नल्ले ना, मैंने इससे हमेशा मैं कुछ हेल्प मांगता हूँ ना, ये क्या करता है, हेल्प फटके में देता है, फटके में हेल्प देता है। लेकिन इतनी नल्ली हेल्प होती है ना, आज क्या हुआ पता है, मेरा वो पुलअप का रॉड आया है ना, क्या सरप्राइज में फोड़ देता हूँ, पुलअप का रॉड आया, ममता जी रखे 2 pound, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। तो रॉड आया, मैंने हमेशा की तरह इसको कॉल किया, हेलो चेतन, अरे मेरा वो रॉड है वो बिठाने के लिए कोई अच्छा फिटर देखना जरा, हो सकता है तो। ये बोलता है फिटर मैं ना करके देता है, ये एक फिटर को लेके आया गाइस, इसे वन द वन साइड, हां मैं करके देता हूं फिटिंग वन साइड, कुछ विषय नहीं है सर, क्या करने का बोलो। उसको करने के लिए बोला, उसने भिंती में गाइस 4 carbonate छतरी मार रहा, 12 होल पड़े मार रहा, 12 होल पड़े फिट कर रहा है, अरे नहीं निकल रहा है, निकाला फिट कर रहा है, अरे नहीं निकला फिट कर रहा है, अरे नहीं रे तुम्हारी भिंत ही पोखर है ऐसा लग रहा है, कोई नहीं रहा है। तो मैं चेतन को बोला, चेतन तू सच बोल, तू आदमी लाता कहाँ से। मैंने चेतन बोला तू ऐसा करता है ना कि पापा अपने पास है क्या किट, है क्या वो अपना ड्रिलिंग का किट है, पापा हाँ दे। चेतन निकला रास्ते से, रास्ते पे जो पहला बंदा दिखा, हे ड्रिलिंग कर सकता है, और वो गलती से बोला ना हाँ चल काम है, चल 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 तू आज से फिटर, और उसको लेके आता है। मतलब ये इसके बंदे ना, इसका प्लम्बर, इसका फिटर, आपका गह देवा, मेरा संडास का भांडा वैसे का वैसा पड़ेला है, वो रॉड के इतने सारे भोगदे बना दिए इसने, मतलब उधर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो नहीं क्या साफ भीड़ बनाता है, वैसे भीड़ भीड़ उसमें उतारे के गाड़िया वीडिया ठोके, अरे क्या काम है, ये प्रोफेशन है, और उसी के सामने उसी की इज्जत निकाल रहा है, मतलब उसी के सामने हंस रहा है, और मैं उसी के सामने लोल रहा हूँ, उसकी की इज्जत जा रही है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है, वो ठक 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 ठक, और वो ड्रिल मशीन आग लगने में जमाती आग, ये उसमें से लाल लाल चिंगारे निकल रही है, फिर भी वो घुसेड़ के ड्रिल कर रहा है, और मैंने बोला भाई रुक जा सबर कर क्या कर रहा है, और वो खड़ू से मार्किंग करते ना होल पाड़ने के लिए, वो रखा 1 2 3 4 होल, उसके बाद ये निकाला पहला होल परफेक्ट, दूसरा होल राइट में, तीसरा होल थोड़ा ऊपर, चौथा होल नीचे, और लोखंड लगाने के बाद आई थोड़ा मिसमैच हो गया, रे रुको फिर से होल मारना पड़ेगा, ऐसा फिटर होता है गाइस, ऐसा फिटर होता है, बाबा मैंने हार मान ली, चेतन उसको बोल रहा है संडास का टाकी भी बिठाने का, देखो मैं चेतन को बाजू ले गया, चेतन मैं तेरे पाव पड़ता हूँ प्लीज ये मत कर, वो संडास की टाकी ऐसी बिठाएगा, मुझे ऐसा बैठना पड़ेगा चीकरने को, प्लीज मैं पार पड़ता हूँ तेरे, और वो बंदा रेडी, मैं आता ना दोपहर को कल, इतना बड़ा खिल्ला लेके आएगा, मैं फिटिंग करके देगा। अरे बट कॉन्फिडेंस लेवल भी तो देखो उसकी। मेरे को क्या बोल रहे उसका उधर भिंकी की साइड तो तू संडास का टाकी देख के तो आ पहले हाथ टोपी के, और मैं उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि उसको इज्जत ही ना फील हो, बराबर ना, किसी को इज्जत ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर उसका काम पसंद नहीं आया तो रिस्पेक्टफुली उसको टाटा करने का, ये उसके सामने ही उसकी इज्जत निकालने में तुरा हुआ है, मैंने कितना ट्राई किया लेकिन आखिरकार वो भी नड़ा, मैं आता हूँ कल दोपहर को, इतना बड़ा खिला डायरेक्ट भिंती के आर पार उस साइड से ड्रिल करके वाकड़ा, जिंदगी में नहीं निकलेगा, बोलो ये कौन सा काम है।